हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं फिर से नई जॉब लेकर के। आज की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूं, डायरेक्ट कंपनी में अपना सीवी शेयर करना सिखाता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि आप किसी भी गलत कंसल्टेंट के चक्कर में ना फंसें, बेमतलब में अपने पैसे खराब मत करें। इतना इतना पैसा, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार अपना खराब करके आते हैं, वो मत करें। बहुत मुश्किल से माँ बाप पैसा कमाते हैं, तो उसको प्लीज़ खराब मत करें। और जो भी मैं कंपनीज के बारे में रिसर्च करता हूँ, उसके बाद बात आपको बताता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। अपना CV बना करके रखिए, अपना कवर लेटर अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखिए, ताकि अच्छा सा लगे, प्रोफेशनली लगे, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ, तरीके बताता हूँ अप्लाई करने के, वैसे वैसे अप्लाई ज़रूर करते जाया कीजिए। इन केस कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए अच्छे से गाइड कर सकूँ किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आपको भटकाते हैं। देखो, भटकना नहीं है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो बड़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया पर मेरी नौकरी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप किसी की बातों में मत आया कीजिए, आपका जो मन करे वो कीजिए, पर प्लीज़ किसी की बातों में आकर के काम करना बंद नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के अपना CV कंपनीज में भेजना बंद नहीं करना है। आप अपनी डिटेल्स अपना CV कंपनीज में भेजेंगे, कभी तो आपको कॉल आएगी, कभी तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। मैं कहता हूँ, एक कंपनी में भेजते हो नहीं कॉल आई, दूसरी में भेजते हो नहीं कॉल आई, 10 में भेजते हो तब भी कॉल नहीं आई, तो भेजते चले जाओ ना, रोज़ 10 में भेजते चले जाओ, कभी तो अच्छी कॉल आएगी। और जिस दिन आपकी अच्छी कॉल आएगी, आपको मेल आएगी और इंटरव्यू कंडक्ट होगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या ज़िंदगी आपकी नहीं बनेगी? तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, किसी की बातों में नहीं आना है। और इस वीडियो को भी आगे अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, कलीग्स तक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार दिलाने में हम अपना एक अहम रोल अदा कर पाएँ, उसको नौकरी दिला पाएँ, उसको उसकी परेशानी दूर कर पाएँ। हम मेरा साथ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि इस दौरान, आज की सिचुएशन ऐसी है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सभी की हेल्प करना सीखिए, सभी को रोज़गार दिलाना सीखिए। तो मेरा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने सारे कलीग्स का साथ दीजिए, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, सगे संबंधियों का, सभी का साथ दीजिए, ताकि सभी को कहीं ना कहीं अच्छा एक रोज़गार मिल जाए। तो आज की जो भी वैकेंसी है, मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से इस कंपनी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। चलिए मेरे स्क्रीन पर। सो गाइस, अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एटलस ज्वेलरी में किस तरह से अप्लाई करना है। आपने क्या करना है जी, आपने सर्च बार में जाकर के लिखना है एटलस ज्वेलरी, बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ऊपर एक लिंक आ रहा है, इसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा। बाकी इधर उधर मत ही जाइए, तो ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूज़ हो सकते हो, बेटर यही है इसी लिंक पर जाइए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट खुल के आ गई। अब इसमें आपने क्या करना है, सब कुछ देख लो, समझ लो क्या कंपनी है, क्या इनका काम है। उसके बाद करियर्स की एक ऑप्शन आती है, आप करियर्स में जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट ओपनिंग्स जो हैं कंपनी की, मैनेजर चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स फॉर ऑफिस एट बेंगलोर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर चाहिए एंड एग्जीक्यूटिव चाहिए बेंगलोर के स्टोर में, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए फॉर नेरियुल स्टोर मुंबई। ठीक है, हम इस जॉब पर जाकर के क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कि ये जो जॉब मांगी गई है, आपने यहाँ पर इन फोन नंबर्स पर बात करनी है। और इसके अलावा आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना नेम, ईमेल, वेबसाइट सब कुछ डाल सकते हैं। या फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपना बायोडाटा बनाओ, अपना कवर लेटर बनाओ, और ये ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, HRM@atlasjewelryindia.com, इस पर अपना CV
अपनी जो भी प्रोफाइल है, कवर लेटर है, वो सारा का सारा कुछ शेयर कर दो। जब भी कंपनी को लगेगा कि आप सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी और आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, आप वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाइए। इन केस किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आता है कि इस चीज में क्या फिल करना था, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। और प्लीज अप्लाई कर दीजिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, ये सोच करके अप्लाई कीजिए कि इस कंपनी में आपकी नौकरी लगने वाली है। देखो कैसे नहीं लगती, सोच के अच्छा कुछ करोगे तो जरूर अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट, और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहो।